हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, रेलवे ICF अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ये दोस्तों 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी हम आपको फॉर्म फिल करके बताएंगे कि किस तरीके से कंप्लीट फॉर्म फिल किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पेज का वैसे तो आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिसे इस पेज पे आ जाएंगे। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की जो भर्ती आई है, 1010 पोस्ट है, और यहाँ पे बताया गया है चेन्नई वेरियस ट्रेड अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। तो यहाँ पर बताया गया है जो भी कैंडिडेट हाई स्कूल पढ़े हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अप्लीकेशन 22/5/2024 से स्टार्ट है। हम इसका फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। ITI और नॉन ITI दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं ITI और नॉन ITI के लिए। चलिए हम आपको फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद इस तरीके का डिब्बा, इस तरीके का पेज मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा मिल जाता है सवारी डिब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फिल अप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हो, उसके बाद आपको इस तरीके का पेज मिलता है। ITI वाले कैंडिडेट हैं या आप फ्रेश कैंडिडेट है, आपको अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर लेना है। चलिए हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आपको बताया गया है कि पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, PWBD का इन्फॉर्मेशन देंगे, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे प्रोसीटी OTP का ऑप्शन देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बता दें, आपको जो भी आपका नाम होगा हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल करिएगा। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिखना है, जो भी आपके माताजी का नाम होगा आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वेदर फादर मदर रेलवे एम्प्लॉय है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, आपको पूछा जा रहा है वेदर रजिस्टर्ड विद द तमिलनाडु एम्प्लॉय इंचार्ज, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, नो करेंगे या यस करेंगे, जो भी आपका होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, अगर आप यस करते हैं तो एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन इंचार्ज रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, आप नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिटी, यहाँ पर आपको जो भी क्राइटेरिया है, OBC जनरल जो भी है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप आपके हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप यहाँ फिजिकल इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ बताया जाता है कि 1/6/2003 के, यहाँ पर 6 अक्टूबर 2003 से लेकर 6/10/2003 के बीच होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको फिल करना है। 6 अक्टूबर 2023 है तो 06/10/2023 इस तरीके से फिल करना है। फिर उसके बाद जो भी आधार नंबर है, आपको आधार नंबर आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जेंडर आपको मेंशन करना है, मेल फीमेल जेंडर जो भी है आप मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर ऑप्शन है, आप इसे मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नीचे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ID मार्क आपसे पूछा जा रहा है, आपके बॉडी में कोई भी मार्क है आप मेंशन करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो नॉट लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे दूसरे में भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस पर भी नॉट लिख दीजिएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि यहाँ बताया गया है रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है पासपोर्ट साइज 2 से 200 KB के बीच JPG फॉर्मेट में आपका अपलोड की जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे आफ्टर सिलेक्ट होने के बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और फिर इसके बाद जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो होगा आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे फोटो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो हमारा दिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको आने के बाद यहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड होगा, आपको एरिया का पिन कोड आपको मेंशन कर लेना है। चलिए एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस कम्युनिकेशन डिटेल आपको पूछा गया है, सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट फील्ड आर ऑटो बताया गया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी विलेज होगा आपको विलेज इसमें लाइन वन में आप लिख दीजिएगा, विलेज जो आपका होगा वो फिल कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट जो होगा आपको पोस्ट लिख देंगे, पोस्ट जो भी होगा, क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया है जो भी आपका यहाँ पे पिन कोड डालेंगे 6 अंक का, ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। आपको सिर्फ विलेज एंड पोस्ट आपको फिल करना है, जो भी मोहल्ला है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID आपको मेंशन करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है तो आप
मेंशन करना चाहते कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप नो पे क्लिक किए हैं तो आप यहाँ पे दिखाया जाएगा कि पीएच इनपुट गिवन है इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने नो सेलेक्ट किया है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 10th की जो है आपकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है, मैट्रिक है, SSL या CBSE है, मैट्रिक है, जो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पे दी जाती है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको मेंशन कर लेना है, जिस भी ईयर में आपने पास किया है। चलिए हम पास जो भी ईयर में अपने पास किए हैं आपको मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑप्टेन मार्क, यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क लिखना है, जितने भी आपने प्राप्त किए हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर प्राप्त किए हैं आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पे लिख लेना है, जैसे मैक्सिमम मार्क लिखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेड में था ग्रेड लिखेंगे, नहीं तो आपको परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइप होकर चला आएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको अगर 12th आप पास किए हैं आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बता दें कि जब जो भी डिटेल आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और आपको अलग कैटेगरी दी जाती है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप 12th पढ़े हुए हैं तो 12th मेंशन कर लेंगे, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपका जो अगर दी गई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप कब पढ़ाई किया, 12वीं पास कब कंप्लीट किया है आपको यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद कितने में नंबर पाया हुआ है और कितने में से पाए हैं आपको यहाँ मेंशन करेंगे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ परसेंटेज शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से पूछा जा रहा है अप्लाई फॉर MLT है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है पावर्टी किसको रखना चाहते हैं, यहाँ पे पावर्टी देना पड़ेगा, किसमें आप भाग लेना चाहते हैं। यहाँ पे कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि किसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रिशियन है, फीटर है, पेंटर है, वेल्डर है, आपका जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना जिसके ऑप्शन रखना चाहते हैं। जो भी आप पहले रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बारी बारी से आपको 6 ऑप्शन दे रखे हैं, 6ों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 6ों को, और फिर उसके बाद जैसे 6ों को सेलेक्ट करेंगे फिर तभी आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, और जैसे ही डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे सेंड OTP पे क्लिक करिएगा। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो इंटर अ गिवन बिलो OTP यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे OTP इज अपडेट डालेंगे। चलिए हम क्लिक हेयर OTP क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आपके मेल आईडी पर भेज दिया जाता है और मोबाइल पर भी सेंड कर दिया जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाता है उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको बताया गया DDMM 4Y के अकॉर्डिंग आपको जो है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद वैलिड एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, वैसे से वैलिड एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट आपका अपने अकॉर्डिंग कटा लेना है, जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद जैसे ही फाइनल सबमिट होगा उसके बाद आप अपना जो है फाइनल पेमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर लेना है, जिसे आप अपने अप्रेंटिसशिप का भाग लेकर के आपको